ओके अलैक सेशन स्टार्ट करते हैं लिनिक्स uh, का ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट आज हम लोगों ने uh, कुछ पैकेजेस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है बिकॉज द वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि हमें लिनिक्स में करनी पड़ती है वो होते हैं हमें कोई इंस्टॉलेशन करनी है हाउ वी कैन वी कैन सेटअप आर लिनिक्स मशीन्स कि जिनको हम एज अ डाटा सर्वर्स बना सकें या वेब सर्वर्स बना सकें या डिफरेंट पैकेजेस अगर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं देन हाउ वी कैन डू दैट सो उसको स्टार्ट करने से पहले कि हमें जो भी सारी इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस देखना है उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ने जो अभी कल वाले सेशन के अंदर जो कमांड्स उन्होंने डिस्कस की थी वो मैं एक दफ़ा आप लोगों के सामने दोबारा ओपन कर देता हूँ बल्कि ज़्यादा बेटर है कि मैंने उसके नोट्स क्रिएट किए थे और वही आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ सो कल वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम लोग अगर कभी किसी भी कमांड से रिलेटेड हमें कुछ सर्च करना पड़ता है और या उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है वी डोंट नीड टू गो टू द गूगल एंड

हम लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस किया था फिर मैंने आपको पीडब्ल्यू डी लास्ट फर्स्ट सेशन में, में चीज़ें की थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि हम डायरेक्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं उनको रीड कैसे कर सकते हैं या देख कैसे सकते हैं कैट uh, की कमांड से मैंने आपको बताया कि हमारे पास एडिटर्स अवेलेबल होते हैं नैनो या विम हम लोग इनकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे आज <coughs> सॉरी कि इनको जो है वो हम लोग अगर हमारे पास ना हो तो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या हम लोग नेट से कोई और एडिटर ढूंढ के उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं कॉपी की कमांड कैसे करती है कॉपी हाइफन आर की कमांड यूज होती है फॉर द डायरेक्टरी अगर हमें कॉपी करनी है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो हम कर सकते हैं उसके अलावा अगर हमें uh, क्या नाम है एक डायरेक्टरी का कंटेंट सिर्फ जो है वो किसी डायरेक्टरी में मूव करना ये भी हम लोगों ने कल देखा उसके बाद फिर अगर हमें पूरी डायरेक्टरी में से जस्ट एक फ़ाइल कॉपी करनी देन हाउ वी कैन डू दैट उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ सोलूशन बताए थे कि हमें इन सारे प्रोसेस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं क्या हम स्पेसिफिक फाइल को करने का क्या तरीका है अगर हमें रूट लोकेशन से कोई चीज़ कॉपी करनी है देन हाउ वी कैन डू दैट सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन और ये नोट्स भी मैं अक्सर शेयर कर दूंगा मैंने अक्सर एक्चुअल जो फाइल थी एक्सेल की वो तो शेयर कर दी थी कल लेकिन आई विल शेयर दिस वन एज वेल अच्छा डिलीट करने के बारे में अच्छा एम के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमें कोई चीज कॉपी और पेस्ट तो हमने कर ली ले, लेकिन इफ वी नीड टू डू एनी के हमें कट एंड पेस्ट वाला कोई काम करना है एम वी कमांड तो एम की कमांड क्या करती है कट एंड पेस्ट करती है सो ये ये जो कमांड है ये सिर्फ कट एंड पेस्ट नहीं बल्कि रीनेम भी करती है किसी भी डायरेक्टरी को किसी भी फाइल को अगर हमें रीनेम करना है देन वी कैन यूज द मूव कमांड अच्छा इसमें हाइफन आर नहीं लगता एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी डायरेक्टरी के साथ कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर हाइफन आर नहीं लगाते हम रिकर्सिव नहीं, नहीं करते बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक किसी डायरेक्टरी के नाम को रीनेम कर रहे होते हैं ना कि उसके अंदर पड़े हुए सारे कॉन्टेंट को ऐसा ही है ना कि हमें किसी डायरेक्टरी को करना है तो हमें डब डायरेक्टरी को करना है तो हमें उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है ना कि हमें उसके आगे हाइफन आर लगा के रिकर्स

नहीं पूछना अगर आपने एक दफा रूट एज लॉग इन कर लिया और आप ये हाँ, हाँ, आ, आ, आरे आरे की कमांड यूज करते हैं देन विल यूजर। उसके बाद मैंने को को बताया कि की कमांड से भी फाइल को किया जा सकता है अगर हमें आ, फाइल को एडिट करना है यूजिंग द अगर क्योंकि ये 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 चीज मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी शायद आप से किसी को शायद प्रॉपरली समझ ना आई हो लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कुछ जगहों पे ना हम लोग काम करते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो है ना वो नहीं मिलता आ, एड, ए, हमारे पास कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं अवेलेबल होता लाइक के नैनो या विम अवेलेबल नहीं है और हमें वहां पर कोई चीज़ फाइल को एडिट करना या एक फाइल डमी फाइल क्रिएट करनी है या कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम टेक्स्ट एडिटर का वेट करें कैट की कमांड तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है लाइट से लाइट वेट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी अवेलेबल होती है लाइक के आ, क्या नाम है आप लोगों को मैंने बताया था कि डॉक्कर के अंदर एक कंटेनर अवेलेबल है इमेज अवेलेबल है जिसका नाम है अल्पाइन वो 54 फोर एम बी का ऑपरेटिंग सिस्टम है अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें इंस्टॉल नहीं होती लाइट वेट कब होता है कोई भी चीज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर तब लाइट वेट होता जब उसमें उसमें बहुत ज्यादा चीज़ें अवेलेबल हो बस बेसिक लेवल की जितनी चीज़ें जरूरी हैं वो उसके अंदर अवेलेबल है तो अगर आप उसको अंदर इंस्टॉलेशन करते जाओगे तो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ता जाएगा तो कैट एक ऐसी कमांड हो जो कि बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन वहां पर अवेलेबल होगी लेकिन वहां पर ना नैनो अवेलेबल होगा ना वे अवेलेबल होगा तो कुछ कंफ्यूजन होती तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये से सिखाया है कि अगर हमें सम टाइम कुछ क्रिएट करना पड़े देन वी कैन यूज दिस कमांड टू क्रिएट अ फाइल विदाउट यूजिंग द क्या नाम है विदाउट यूजिंग द टेक्सट एडिटर उसके बाद फिर हम मैंने आप लोग को बताया कि अगर हमें कैट की कमांड के थ्रू एक फाइल से दूसरी फाइल का का कॉन्टेंट हम देख सकते हैं यानी कि दो से तीन चार फाइल्स का एट अ टाइम कॉन्टेंट भी हम देख सकते हैं उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि अगर हमें एक फाइल का कॉन्टेंट दूसरे के अंदर जो है वो अपेंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं हम लोग इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं ये भी हमने कल पकड़ा था उसके बाद अब हम लोग ने लास्ट जो कल सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था वो था कि अगर हमें किसी यूजर को क्रिएट करना तो हम कैसे कर सकते हैं हमें यूजर को क्रिएट करना है उस यूजर को क्रिएट करने के बाद हमें उस यूजर को लॉग uh, इन करना है स्विच करना है यूजर को तो हम वो कैसे कर सकते हैं तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल तक डिस्कस की थी अभी हम लोग मज़ीद भी यूज़र की तरफ जाएंगे आप लोगों ने देखा था मैंने यूज़र लॉग इन भी किया कुछ फाइल्स भी क्रिएट की आम, आम, उसके बाद फिर हम लोगों ने आ, क्या नाम है डिलीशन भी की कि मैंने एक यूज़र ने दूसरे की फाइल्स डिलीट करने की कोशिश की लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता बट हाउ वी कैन वी कैन मेक आर्ट सेल्फ एज अ तो हमने स्टूडो की कमांड भी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी तो अब हम लोग करते हैं आम, अब हम लोग अगली कमांड्स के ऊपर डिस्कस स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उसमें बताऊंगा कि हम अपने यूज़र को कैसे जो है वो रूट के तौर पर भी लॉग इन कर सकते हैं उसको रूट की प्रिवेजेस दे सकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पिछल चलेंगी सो स्टार्ट करते हैं अच्छा टर्मिनल मेरा ओपन है लिनक्स में वही सबसे ज़्यादा मज़ा है मैं भी, भी मिंट यूज़ कर रहा हूँ मिंट के ऊपर ही सारा काम करूंगा इसका बेनिफिट ये है कि मेरे पास जो है वो कंप्लीट जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लिनक्स का वो ही यहाँ पर अवेलेबल होगा सो लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट एज वेल जो हम लोगों ने कल एक रखा हुआ था जिसको मैं साथ साथ एडिट करता जाऊंगा आप लोगों okay. okay, so, के लिए ओके ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें अच्छा पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं मैं आपको वहां से स्टार्ट करता हूँ एंड देन फिर कुछ चीजें मजीद डिस्कस करेंगे आज चुके टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन ये कि जितना मैक्स हम कोशिश कर सकते हैं जितनी चीजें मैं कवर करा सकूंगा ऑब्वियसली मैं आपको वो करवा दूंगा अच्छा पैकेज मैनेजर्स किस को कहते हैं लिनिक्स के अंदर पैकेज मैनेजर्स देखिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ना डिफरेंट आपके पास जो है वो पैकेज मैनेजर्स होते हैं लाइक के अगर मैं युबंटू यूज कर रहा हूँ यानी कि ये ये लिनक्स ऐसा मैं थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आम, हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की लाइक like कि हमारे पास जिस तरह मैं जूबंटू की का नाम लिया जूबंटू भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की सेंटोएस भी एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह डेबियन भी आता है फिडोरा है सूजी है ये मिंट भी एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट वैसे कॉमन भी बहुत सारे और डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो आपको आपकी, आपकी के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करने करता है। यानिके, यानिके है तो में यानी like कि, कि मुझे कुछ इंस्टॉल करना है कमांड लाइन एक तो मेरे पास क्या तरीका अगर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है लाइक के मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ ब्राउजर ओपन करके आपको दिखाने लगा कि अगर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है तो एक तो तरीका मेरे पास ये है सॉरी हो गया कि एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ना कुछ इंस्टॉल करूँ लाइक के कोई सॉफ्टवेयर का नाम लें किसी भी छोटे से किसी सॉफ्टवेयर का हाँ, वो वो तो करना है <laughs> वो तो मैंने करना है चले ये इन इन्होंने मैंशन किया है कि अगर हमें अपाची इंस्टॉल करना तो अपाची इंस्टॉल करने के अगर मुझे इंस्टॉल करना है एक तो तरीका मैं वैसा सर मैं बताना कर था कि एक तरीका तो ये है ना कि मैंने अगर कोई चले जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करना है ऑन मिंट तो फिर मैं क्या करूँगा मेरे पास एक तरीका है कि मैं यहाँ से कोई पैकेज डाउनलोड करूँगा और वो डाउनलोड करने के बाद मैं उसको इंस्टॉल करके तो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको अगर मुझे जूम का कोई पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसके ऊपर मैं सेशन दे रहा हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपको उसके अकॉर्डिंग लेना ना वो तो पूछ रहा डेबियन है यूबन है और लिनक्स मेंट है तो ये तीनों के लिए बिकॉज ये वो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका जिनके अंदर कॉमन पैकेज मैनेजर अवेलेबल होता है एक पैकेज मैनेजर मैं भी आपको बताऊंगा उसका नाम है एप्ट एपीटी एपीटी इज द पैकेज मैनेजर

लोग पहले आज से पहले लिखते थे एप टू गेट कहते थे एप ये जो है ना हाइफन साइन इसको टू गेट भी कहते थे यानी कि एप टू गेट भी इसको लिखते थे लेकिन अब जो है ना इसको सिर्फ ए पी टी लिख के भी आप कर सकते हैं कि तो अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप ये इस कमांड के थ्रू जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या नाम है अपने पैकेज को जो भी आपके पास पैकेज मैनेजर अवेलेबल है उससे आपने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो कर सकते हैं इसी तरह अगर मैं आपको बेस्ड सेंटोएस की बात करूं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हेड की बात करूं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर मैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इनके अंदर यम पैकेज होता है वाई यू एम के नाम से यम पैकेज मैनेजर है ये भी पैकेज मैनेजर है ये भी इंस्टॉल होता है अच्छा एक कुछ कॉमन पैकेज मैनेजर्स भी हैं जिनमें आर पी एम भी हम कहलाता है हमारे पास क्या नाम है एक पैकेज मैनेजर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं आ, उस इंस्टॉलेशन के लिए उसके अलावा अगर आपने आ, क्या नाम है इंस्टॉलेशन करनी है और भी कुछ कॉमन पैकेज मैनेजर्स आते हैं लेकिन अगर स्पेसिफिक पैकेज मैनेजर्स की बात की जाए जिनके थ्रू हम इंस्टॉलेन्स कर सकते हैं वो हमारे पास अगर जो वन टू बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं तो हम इस तरह से करते हैं अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बल्कि कमांड बताता हूँ मुझे भी जरा सोचने थे मुझे कमांड के हमें सबसे पहले किसी भीट कि आपको एक मैंने ये ये तो ये तो ये नजर आ रहा है ना यहाँ पर मैंने पीछे लिख मिंट का लोगो लगा हुआ है और मुझे पता है कि भाई ये मिंट मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है लेकिन अगर आपको मैंने किसी सर्वर की एक्सेस दे दी लिनि बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की सी की एक्सेस दे दी तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल कौन सा रहा है अभी तक हमने वो कमांड तो डिस्कस ही नहीं की कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे मेरी मशीन के ऊपर कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो उसको चेक करने की एक कमांड होती है जो कहते हैं दो तीन तरीके हैं एक होती है ए के अंदर एल ये एल रिलीज के नाम से ये देखें ये कमांड है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कैट एल रिलीज के नाम से ये बता देता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है ये देखें बता रहा है लिनिक्समेंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन के रिलीज का वर्जन कौन सा है और ये कंप्लीट उसका नाम क्या है और जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रिप्शन uh, है वो यहाँ पर आ रही है जब आप युबंटू में जाएंगे तो यहाँ पर यूबंटू लिखा हुआ आ रहा होगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा होगा एक और भी कमांड होती है अभी मुझे जेन में नहीं आ रही लेकिन ये है जिसके थ्रू आप इमीजिएटली देख देख सकते हैं कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली हैक होगा क्योंकि देखें आपके पास अगर ब्लैक स्क्रीन आ गई आपको दे दी मैंने तो ब्लैक स्क्रीन तो सेंटोएस की भी सेम है रेडेड की भी सेम है यूबंटो की भी सेम है मेंट की भी सेम है यानी कि ये जो कमांड लाइन है ये तो सबका सेम है तो आपको लेकिन आपको पहले ये तो देखना कि भाई क्योंकि देखें हर डिस्ट्रीब्यूशन की इंस्टॉलेशन के पैकेजेस डिफरेंट होते हैं तो अगर आपके पास वो पैकेज मैनेजर यानी कि आप जो है वो यम का जो पैकेज मैनेजर है वो सेंटू एस सॉरी जो वो जो बन टू या मिनट के अंदर यूज नहीं कर सकते तो इसीलिए आपके पास जब बाय डिफॉल्ट एक बिल्ट इन पैकेज मैनेजर अवेलेबल है जिसका नाम है ऐप तो आप उसी को यूज करेंगे ना इंस्टॉलेशन करने के लिए तो यहां पर ये चीज बड़ी माइंड में रखनी है कि आपने सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना कि भाई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा और उसके बाद फिर आपने ओब्वियसली आगे चलना है अच्छा अब हम एक कमांड को डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारी इस मशीन के अंदर जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम चल रहा है जो मेरा लैपटॉप है इसके अंदर कितने पैकेजेस अवेलेबल हैं? यानी कि जो पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं पैकेजेस कह रहा हूँ कितने सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है तो एपीटी की कमांड अच्छा एक काम करते हैं सबसे पहले मैनुअल पढ़ते हैं एपीटी का क्योंकि ए तो एक कमांड है ना यानी कि एक पैकेज मैनेजर है लेकिन चले पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है तो इसका पूरा मैनुअल अवेलेबल है जिसमें उसने लिखा है कि कमांड लाइन इंटरफेस एपीटी जो है एपीटी uh, लेवल अच्छा मैं सारी सारी लाइन नहीं पढ़ूंगा मैं सिर्फ बेसिक्स जो है वो आपको बताता जाऊंगा कि कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम इट इज द इंडीड फॉर द जो भी आपके लिए आपने को इंस्टॉल करना है यहाँ पर देखें लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसको एपीटी गेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं अच्छा एपीटी कैशे की कमान भी यूज होती है अच्छा और ज्यादातर जो है वो एपीटी ही सिंपल जो है वो लोग लिख के जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन जो भी करनी है उससे कर सकते हैं अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप एपीटी के आगे इंस्टॉल लिखेंगे अगर आपको कोई री इंस्टॉल करना तो आप ये लिखेंगे अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो ये लिखेंगे पर्स भी अप्रोसीमेटली यही करता है लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होती है यानी कि अभी हम लोगों ने कुछ इंस्टॉल नहीं किया हम क्या करेंगे एपीटी इंस्टॉल लिखेंगे और उसके बाद पैकेज का नाम लिखेंगे तो इंस्टॉलेशन हो जाएगी हम एपीटी री इंस्टॉल कर लिखेंगे तो वी इंस्टॉलेन कर देगा तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है अगर आपको कुछ रिमूव करना है ऑटो रिमूव की मैंने बताया ना कि इतनी ऑप्शन अवेलेबल है कि शायद मैंने भी अभी आप लोग के साथ बैठ के डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ शायद आमतौर तो पे हम ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते लिनक्स में काम करते हुए लेकिन दिस इज वेरी गुड थिंग कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ें और आपको पता तो हो कि भाई ये फीचर्स अवेलेबल है समटाइम हमें जब कुछ चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम गूगल पे जा रहे होते हैं सर्च करते हैं तो क्या ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है तो हम उसको सर्च करते तो उससे बेटर ये कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें इसके बाद ये सेटिस्फाई की ऑप्शन है एक सर्च की ऑप्शन अभी हम इसको भी यूज करेंगे कि अगर आपको जो है वो सर्च करना है के, आ, कोई पैकेज स्पेसिफिक पैकेज को सर्च करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं अगर आपको शो करने हैं या लिस्ट करने हैं पैकेजेस तभी हम लिस्ट की कमांड भी यूज करते हैं जैसे हम लिस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो आप इससे कर सकते हैं जिस तरह लाइक के मैं कह सकता हूँ कि एपी में लिस्ट करता हूँ कि भाई मुझे लिस्ट दिखाओ कि मेरे पास जो है वो इस टाइम इंस्टॉल्ड पैकेजेस जो है वो कितने पड़े हुए हैं जितने इंस्टॉल्ड है वो भी दिखाएगा और जितने पैकेजेस अवेलेबल हैं वो भी दिखा देगा ना बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी ये देखें काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें वो बता रहा है कि आपके पास देखें यहाँ पर जूम के बारे में भी इसने देखें लिखा हुआ है के अच्छा और जिस जो पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ होगा ना मेरे लैपटॉप में उसके आगे देखें ये लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड लोकली और जो नहीं हुआ हुआ तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ देखें ये भी एक इंस्टॉल हुआ हुआ है ये देखें ये इसके बाद ये भी एक इंस्टॉल हुआ हुआ है तो जो पैकेज आपके पास इंस्टॉल्ड हुआ होगा ना जिप का एक फोल्ड यानी कि जो होता है ना जिप करने के लिए हम यूज़ करते हैं Uh, तो वो जेप या अनजिप करने के लिए तो ये ये भी इंस्टॉल हुआ तो यहाँ पर सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं आपको जो पैकेज चाहिए होगा आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर Uh, यानी कि आपको चेक करना पड़ता है ना देखिए सम टाइम मुझे भी आके जाके आपको अपाची इंस्टॉल करके दिखाना है तो अगर मुझे अपाची पहले इंस्टॉल हुआ होगा तो फिर मेरा पर्पस तो मीट नहीं होगा तो इसीलिए मुझे अगर चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं अच्छा इतनी बड़ी लिस्ट में अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोई पैकेज सर्च करना है तो हम वो भी कर सकते हैं हम ज़रूरी नहीं कि हम सारी लिस्ट को गो थ्रू करें उसका तरीका ये है बल्कि ये कमांड आप लोगों के लिए साथ मैं दोबारा लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको देख सकें अच्छा ये मैंने ये बता दिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है पैकेज मैनेजर्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से अवेलेबल हैं अच्छा इसके बाद अगर आपको सर्च करना है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपको चेक करना है तो ए पी टी लिस्ट की कमांड से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि ऑल सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑन मिनट ठीक है कि जो आपके पास अवेलेबल हैं ठीक है आप उनको यूज कर सकते हैं उसमें इंस्टॉल भी आ रहे होंगे और उसमें आपके जो अभी नहीं इंस्टॉल हुए हुए लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अच्छा इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पैकेज सर्च करना है यानी कि मुझे ये देखना कि भाई हमारे पास आ, अपाची इंस्टॉल है कि नहीं तो मैं यहाँ पर लिस्ट करूंगा ए लिस्ट अपाची टू तो ये मुझे बताएगा कि भाई ये इसके बकौल मेरे पास लोकली अपाची इंस्टॉल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं लिखा हुआ अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कोई इंस्टॉल लिखा हुआ हो तो उसके बारे में कैसे देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया ना कि जिसके आगे इंस्टॉल्ड लिखा होगा मैं उसका पता चल जाएगा जिस तरह का मैं यहाँ पर जो है वो एंजेनेक्स सर्च करता हूँ एंजेनेक्स भी एक वेब सर्वर है अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ तो इसके बारे में भी वो ये कह रहा है कि वो इंस्टॉल्ड नहीं है उसके पैकेजेस अवेलेबल हैं लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं है ठीक है अच्छा अगर कोई इंस्टॉल्ड हो तो कैसे देखना है तो मैंने आपको वो बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पर लिखता एक छोटा सा पैकेज है सूटों का यानी कि तो वो ओबियसली इंस्टॉल्ड हुआ होगा तो ये देखिए उस पर लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड ये ये भी इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है अगर आपको क्या नाम है डिटेल्स देखनी है कि भाई हमारे पास कौन सा पैकेज अवेलेबल है और मैंने उसको इंस्टॉल कैसे करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखें एक फ्लैग यूज कर लें ए लिस्ट हाइफन ए अगर मैं लिख देता हूँ आपाची तो आपको ये दो तीन रेफरेंसेस भी दे देगा कि भाई अगर आप आपके पास ए एम डी सिक्स फोर पे जाना है तो क्या करना है और अगर आपके पास जो है वो थर्टी टू बिट का है तो आपने क्या करना है तो ये थर्टी टू बिट के अकॉर्डिंगली भी आपको बता देगा कि आपके पास पैकेजेस कौन से अवेलेबल हैं एक बात याद रखना ये थोड़ा सा थोड़ा सा कह सकते हैं स्लाइड सा हम एडवांस पे आए हैं पार्ट पे ओब्वियसली हमें आना तो है ही है हम लोगों ने बेसिक्स तो काफी हद तक सीख ली है अगर कोई क्वेश्चन हो तो इमीडिएट क्वेश्चन आपने करना है अब ये क्लास चल रही है ये वो नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को

हम जिसको वेब सर्वर कहते हैं लेकिन असल जो उसका पैकेज है ना जो पैकेज बनाया हुआ है वो उन्होंने क्या नाम है पैकेज बनाया हुआ है उसके अंदर आ, अपाची टू का मेरा इधर उधर तो चला जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है अच्छा अपाची टू जो है वो एक पैकेज है कंप्लीट पैकेज है लेकिन एक बात याद रखना कि अभी तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना आ, एक तो, कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं मिन्ट या युबंटू की या इन इनकी यानी कि जो इन डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है ना इसका क्या नाम है अपाची को इंस्टॉल करना है तो अपाची हम यहाँ पर अगर वेब सर्वर अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करना तो हम अपाची टू कहते हैं लेकिन अगर मैं सेंटोस की बात करूँ तो सेंटोएस या रेड हेड के अंदर हम अपाची को अपाची नहीं कहते उसके अंदर हम एच डी कहते हैं तो बात है कि असल में ये भी अपाची ही सर्वर है और ये भी अपाची ही सर्वर है असल में अपाची होता क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे जाके अपाची असल में वेब सर्वर होता है अगर आपको कभी कोई वेबसाइट होस्ट करनी है ऑन योर लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देन यू यू हैव टू फर्स्ट आपका जो जो सर्वर है उसके ऊपर ऑब्वियसली वो वेब सर्वर कोई इंस्टॉल या इंस्टॉल कोई पैकेज इंस्टॉल हुआ होगा जो उसको सपोर्ट करेगा जो आपकी वेबसाइट को लाइव करेगा तो उसके लिए हम अपाची एक वेब सर्वर है उसके अलावा भी कुछ काफी सारे वेब सर्वर हैं जिसमें एनजेनक्स भी आता है लेकिन अपाची एक वेब सर्वर है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को या अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा तो इसलिए जस्ट दिस इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन इज नॉट मोर देन दैट तो हम यहाँ पर एच टी डी बी डी कहते हैं यहाँ पर अपाची कहते हैं तो अब हम लिखते हैं अपाची टू ठीक है इसका कोई वर्जन ऐसा स्पेसिफिकली तो उन्होंने मैंशन किया हुआ लिखी कि दिस इज जस्ट द कॉलिंग अच्छा यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं के हम लोगों ने देख ली कि पैकेजेस कौन से अवेलेबल हैं अगर हमें अच्छा मैंने को माई सिकल का पैकेज देखना है कि भाई वो इंस्टॉल है कि नहीं चलो वो भी देख लेते हैं तो माई सिकुल का नहीं पड़ा हुआ अगर मेरे पास कोई इंजनक्स का, का देखना है या मारिया डीबी का देखना है तो वो भी देख सकते हैं तो इस तरह बहुत सारी अवेलेबल हैं आप क्या नाम है अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली देखोगे कौन से आपको पैकेज चाहिए और कौन सा नहीं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको इंस्टॉलेशन करना ताकि

आ, वो चीज़ इंस्टॉल करनी है सो लेट स्टार्ट अब हम लोग क्या करते हैं एक अपाची आ, सर्वर इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को कुछ रियल चीज़ें करके दिखाता हूँ ताकि ऑब्वियसली हम लोग कुछ विजिबिलिटी हमारे पास ज़रा बेटर हो जाएगी अच्छा अगर हमें इंस्टॉल्ड पैकेजेस भी मैंने आपको बता दिए कि देखने हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास मैंने बताया कि ए लिस्ट करें इंस्टॉल्ड करें इंस्टॉल्ड पैकेजेस आप देख सकते हैं तो आपके पास जो है वो इंस्टॉल्ड um, आगे एक और चीज़ लगती होती है मेरे ख्याल से जस्ट वन मिनट इंस्टॉल्ड 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 हाँ हाई फन लगता है so, यहाँ पर भी हाई फन लगता है तो आपको ये सारे दिखा देगा जो इंस्टॉल्ड देखिए सबके आगे इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है जितने भी इंस्टॉल्ड टाइम मेरे पास पड़े हुए हैं ना जितने भी सिस्टम लेवल के पड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर पाइथन के जो भी पड़े हुए हैं या जो भी मैंने इंस्टॉल किए थे वो सब इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल होंगे तो अगर आपको ये देखना है कि आपके पास इंस्टॉल्ड कितने पैकेजेस पड़े हुए हैं तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं और वो कमांड होगी आपके पास एपीटी लिस्ट इंस्टॉल्ड ठीक है तो आप इसे देख सकते हैं एनी अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और वो ये है कि अब हमें यहाँ पर अपाची इंस्टॉल करना अच्छा अपाची इंस्टॉल करने की कमांड अगर आपको ढूंढनी है तो मैं आप लोगों को गूगल की तरफ रेफर जरूर करता रहूंगा ताकि अगर आप लोगों को आ, मुश्किल ना लगे हालांकि बहुत ही सिंपल सी ये कमांड है मुझे पता है मुझे आती है मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी लेता हूँ लेकिन ये क्या ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ए पी टी इंस्टॉल अपाची टू मैं इतनी सी कमांड है ये क्या करेगा हमने क्या लिखना है ए पी टी और आगे इंस्टॉल में बताया तो था ना एपीटी की ऑप्शन है रिमूव की ऑप्शन है री इंस्टॉल की ऑप्शन है तो आपने इसको ऐसे लेना कि आपने जो चीज इंस्टॉल करनी है और लिनिक्स में सबसे ज्यादा मजे की चीज ही होती है जब हम कमांड लाइन से कोई चीज इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें क्या नाम है उसको मैंशन नहीं करना यानी कि हमें कुछ पहले डाउनलोड नहीं करना पड़ता ये जो इंस्टॉल की कमांड है ये खुद से डाउनलोड करेगी पहले पैकेज को और उसके बाद फिर उसको इंस्टॉल करेगी ठीक है तो हमें जिस तरह अगर मैं विंडो की बात करूं तो पहले हमें एक कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और फिर हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर उसका वो इंस्टॉलेशन uh, प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है सेटअप स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर उसकी इंस्टॉलेशन होती है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना पड़ता तो अगर आपको यहाँ पर अगर आपने जरूर मैं आपको गूगल पे भी बता देता हूँ मैंने आप लोगों को उस टाइम यहाँ पर अगर मैंने गूगल करना भी है तो मैं आप लोग को साथ साथ हेल्प आउट करूँगा कि अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर लिखें कि इंस्टॉल अपाची टू ऑन मिंट तो यहाँ पर आप लिख जाएंगे आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आप उसको सर्च कर सकते हैं ये लैम्प पूरा यानी कि लैम्प होता कि ये भी एक स्टैक होता है जिसके अंदर लेनिक्स अपाची माई सिक्वल पी एच ये सब कुछ एक ही गो में इंस्टॉल हो जाता है ये सारा कुछ तो इसलिए वो ये बता रहे हो क्योंकि हम ज्यादातर वेब सर्वर्स के लिए यूज करते हैं तो अगर आपने अपाची इंस्टॉल करना है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके तो हमें वैसे तो पता ही इस कमांड से इंस्टॉल हो जाता है तो लेकिन मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँ अगर आपको सर्च करना पड़े तो आप यहाँ से कर सकते हो अच्छा मैं लिखता हूँ ए पी इंस्टॉल अपाची टू अच्छा ये सबसे पहले मुझे एक एरर भी देगा कि वो एरर ये है या नोटिफिकेशन ये है कि भाई आप सूडो यूजर तो हो नहीं क्या आपके पास पासवर्ड है सूडो का तो दो तरीके हैं इसको रन करने के या तो मैं इसके पहले सूडो लिख के ये पूरी कमांड लिखता या मैं पहले अब वो पहली जो तो पहली दफा आज सेशन स्टार्ट किया मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो अब मुझे इसके बाद नहीं वो पासवर्ड पूछेगा ठीक है तो जैसे एंटर करूंगा मेरे बात परमिशन क्योंकि है पासवर्ड ठीक है इसलिए वो मुझसे उसने पूछा जैसे मैं इसकी इंस्टॉलेशन करूंगा वो देखिए आपसे कह रहा है कि इसका साइज क्या क्या अवेलेबल है यानी कि जो आपने Uh, जो इंस्टॉल करें आपकी डिस्क साइज पे कितना इसका इंपैक्ट आएगा यानी कि कितना साइज ये लेगा सॉफ्टवेयर और कितने पैकेजेज इंस्टॉल करेंगे सारे पैकेजेस की डिटेल यहाँ पर आ रही है देखें फॉलोइंग एडिशनल पैकेजेस विल बी इंस्टॉल इसके साथ साथ ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे तो इसके बाद वो पूछा कि आर यू श्योर यानी कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू हम कहेंगे ये तो वो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा अच्छा इसकी इंस्टॉलेशन में एक मसला आया शा, शायद एरर Just one minute. अच्छा मैंने काफी से, से ना ये ये लैपटॉप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये यूज नहीं किया हुआ तो एक अच्छा एक कमांड होती है पहले मैं वो आप लोग को दिखा देता हूँ कि जब भी कभी हम लोग अपना सिस्टम यूज ना करें ना काफी अर्सा या पहली दफा उसको यूज करना शुरू करें मैं बल्कि एक कमांड यहाँ पर लिख भी देता हूँ जब भी कभी आप अपने सिस्टम को या तो यूज़ नहीं कर रहे या आप काफ़ी अरसे बाद उसको यूज़ करने लगे या फर्स्ट टाइम यूज करने लगे, यूज करने लगे तो आपको एक कमांड है ए अपडेट की कमांड ये जरूर रन करनी क्या करती है आपके तमाम जो प्रीवियस पैकेजेस है ना उन सबको अपडेट कर देती है अदरवाइज क्योंकि देखो आपके पास जो पैकेजेस अवेलेबल हैं और जो इंटरनेट पे पैकेजेस जब कंपनीज अपग्रेड कर रही होती हैं उनके वर्जन या उनकी रिविजन अपडेट कर रही होती है तो आपके मिसमैच जब होते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है तो आपको ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप एक दफ़ा अपना जो पैकेजेस हैं सारे उनको अपडेट कर लें तो अच्छा मैंने सूटो इस दफा लगा के किया क्योंकि मुझे बार बार पासवर्ड नहीं एंटर करना अब उसे वो पूछेगा नहीं और सारा सारी चीज़ें एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेगा माइट बी इट विल टेक सम टाइम लेकिन ये कि ये सारे पैकेजेस को अपडेट करता है ये रिफ्रेश करता है आप जब भी कभी भी ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है लिनिक्स में कि आप कभी भी नया सिस्टम पकड़ें यानी कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया जाए तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो है सबसे पहले ए पी अपडेट ही कमांड रन करें देखिए अभी भी काफी सारी चीजें जिनपे वार्निंग्स आ रही हैं क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से ये ये जो है वो ओ एस यूज नहीं किया हुआ लेकिन इस वजह से ये यहाँ पर आ रही है अच्छा एनी वेजा मैं दोबारा ट्राई करता हूँ अच्छा इसको यस करते हैं और अब ये इंस्टॉलेशन मुझे लग रहा है हो रही है क्योंकि वो पैकेज इसमें बताया ना कि कुछ पैकेजेस मिस मैच करते हैं उनके वर्जन मिस मैच करते हैं अच्छा ये कमांड भी अगर लिखनी है तो मैंने यहाँ पर शायद लिखी थी आई थिंक या नहीं लिखी थी चलने ए पी टी इंस्टॉल अपाची टू ठीक है आप इस तरह से करेंगे और अगर अच्छा इसमें एक और मजेदार चीज़ होती है कि लिनिक्स में आपसे ये पूछा था ना डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे ये ना पूछे यानी कि मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली उसको यस चला जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइफन वाई साथ एक फ्लैग पास कर सकते हैं यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे वो पूछे वायल इंस्टॉलेशन तो आप उसको यस करें क्योंकि सम टाइम हम क्या कर रहे होते हैं आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कोई तरीका अगर सपोज दैट कि हम ये कर रहे हैं कि हम कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं ए हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस हैं पैकेज वन है पैकेज टू है पैकेज थ्री है हमने काफी सारे पैकेजेस जो है ना उसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं तो अगर हमारे पास काफी सारे पैकेजेस हैं और हमें उनको इंस्टॉल करना है और हम जब इस कमांड को एंटर करके वो हर पैकेज के ऊपर जाके आपसे पूछेगा कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू तो इसमें अगर हम यहाँ पर हाइफन वाई लगा देंगे तो ये सब के लिए उस हमारी तरफ से यस uh, कंसिडर yes, कर देगा उसको ठीक है तो दिस इज द रीजन के जिसकी वजह से हम लोग अपने सिस्टम uh, को बता सकते हैं कि भाई आपने एज आ येस मेरी तरफ से उसको कॉन्सिडर करो और इंस्टॉलेशन करना शुरू करो तो ठीक है अच्छा ये इंस्टॉलेशन हो गई है जब अपाची इंस्टॉल हो जाता है ना तो उसको देखने के तरीके भी हैं कि अगर वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ तो अगर हमारे ऐसा जो अपाची है ना ये वेब सर्वर होता है मैंने आप लोग को उसके बारे में बताया भी था अगर इस चीज ने पढ़ना हो ना तो वो यहाँ से जाके पढ़ सकता है मैं उसकी डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देता हूँ अच्छा ये देखिए इसने भी ये जब मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया उसने भी सबसे पहले कहा कि आप सबसे पहले अपने सिस्टम को अपडेट कर लें अपने सारे और उसके बाद अपाची टूल्स इंस्टॉल करें और फिर सारा कुछ मैं अभी आपको दिखाता अच्छा अपाची के बारे में अपाची टू ये है क्या आपको ये यह यहाँ पर ये यह दिखा देगा इसकी वेबसाइट पर जाएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है वो आ, किसका प्रोजेक्ट है अपाची का ही प्रोजेक्ट है और सारी इन्फॉर्मेशन क्या ये वेब सर्वर है इसका कौन सा वर्जन चल रहा है इसकी सारी चीजें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगी अच्छा अब हमें यह देखना है कि क्या मेरा अपाची जो मैंने इंस्टॉल किया है क्या वो मेरे सिस्टम पे चल रहा है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम सी टी एल अपाची टू ये कमांड जो है आपको बताएगी कि आपकी जो सर्विस है अपाची एक सर्विस के तौर पर रन होगी हमारे सिस्टम में कि क्या वो सर्विस इस टाइम रनिंग फॉर्म में है या नहीं है क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन जब कर ली तो वो आपको जैसे एंटर किया उसने बता दिया कि अपाची टू जो है वो सर्वर इंस्टॉल हो चुका हुआ है और इस टाइम उसका स्टेटस जो है वो रनिंग में है समटाइम किसी इश्यू की वजह से किसी एरर की वजह से आपके पास यहाँ पर शायद डीएक्टिवेट आ रहा हो या अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ चले मैं अभी दिखाता हूँ कि अभी देखें स्टेटस स्टार्ट ये एक्टिव है अगर मैं इस सर्विस को स्टॉप करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टॉप सिस्टम सी स्टॉप ये सिस्टम लेवल की जो सिस्टम लेवल की जो कमांड्स होती है ना उसको हम सिस्टम सीटीएल से ही लिखते हैं ठीक है थीके? तो अगर मैं ये लिखता हूँ और इसको स्टॉप कर देता हूँ अच्छा ये पूछ रहा है पासवर्ड अच्छा ये मुझे पासवर्ड इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने सूडो नहीं लगाया कि मैं सूडो लगाया होता तो इसलिए ना पूछता लेकिन लेट मी अब देखिए मैंने मेरे मैं परमिशन भी थी पर पासवर्ड भी था अब मैं दोबारा जब स्टेटस देखूंगा तो यहाँ पर देखें पहले रनिंग आ रहा था अब ये क्या आ रहा है इनएक्टिव या डेड क्योंकि और उसके यहाँ पर लॉग्स भी आ रहे हैं कि किसी ने इसको स्टॉप किया है देखिए यहाँ पर स्टार्ट स्टॉपिंग और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो ये यहाँ पर यहाँ पर आ गया उसका स्टेटस कि ये स्टॉप किया था अच्छा मैं तो दोबारा स्टार्ट करना है मैं यहाँ स्टार्ट की जगह पर लिख स्टॉप की जगह पर लिख दूंगा स्टार्ट एन हमारा अपाची अच्छा ये बार बार मुझसे इसीलिए पूछ रहा है मैंने कहा ना पासवर्ड अगर मैं रूट के तौर पर काम करूँ ना तो मुझसे ना पूछे लेकिन चलें स्टेटस देखते हैं रनिंग में है अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कि अपाची क्योंकि वेब सर्वर है इसकी मैंने आपको एक बात की थी याद है कल जब हम लोगों ने लिनिक्स जब स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था मैंने आपको यहाँ पर एक इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाया था पूरा फाइल सिस्टम दिखाया था लिनक्स का तो मैंने आपसे कहा था कि ई वो डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सिस्टम लेवल की कन्फिग्रेशन जब भी हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी सिस्टम लेवल की कन्फिग्रेशन है ना वो इसमें जाती है तो अपाची की जो सिस्टम लेवल की कन्फिग्रेशन है वो भी इसी के अंदर गई होती है अगर मैं ई में जाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं एल एस करूंगा ये काफी लंबी लिस्ट होगी इसलिए मैं एल एस वैसे ना भी करता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है तो आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपाची पाची, 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 पाची। ये आ रहा है पाची तो ये आपको पाची यहाँ पर नजर आ रहा है और ये अभी ही थोड़ी देर पहले इंस्टॉल हुआ इसका टाइम भी देख सकते हैं ये यह यहाँ पर बना है अगर मैंने इसके अंदर जाना है तो यहाँ पर ये वो जगह है अपाची टू की डायरेक्टरी जहां पर अपाची की कॉन्फ़िगरेशन सारी पड़ी हुई है तो अभी हम कंफिग्रेशन में नहीं जा रहे आपको मैं ये बताने की बताने का असर पर्पज था कि जब भी कोई इंस्टॉल होता है तो आप लोग जब विंडो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पर जाता है वो प्रोग्राम फाइल्स में जाता है ना विंडो की तो इसी तरह यहाँ पर ईटीसी के अंदर जाता है उसकी सारी कंफिगुरेशन अब मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूं अब क्योंकि वेब सर्वर है और जब वेब सर्वर कभी चल रहा होता है तो हम उस वेब सर्वर को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं यहां पर ब्राउजर के थ्रू मैं इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं और एक बात और याद रखना क्योंकि ये इंस्टॉलेशन मैंने कहाँ पर की हुई है मैंने किसी सर्वर पे की है मैंने सर्वर पे नहीं की मैंने अपने लैपटॉप में किया है ना लोकली की हुई है तो जब भी कभी हम लोगों ने इसको एक्सेस करना है इंटरनेट पे नहीं जाके हम एक्सेस कर सकते यानी कि इसका कोई आईपी एड्रेस तो नहीं है मेरे लैपटॉप का पब्लिक आई एड्रेस तो नहीं है अच्छा पब्लिक आई एड्रेस का क्या मतलब होता है अगर मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर जाके बात करूँ देखो इस वेब सर्वर को जो पीछे मैंने एक वेब सर्वर ये वेब सर्वर है ना ये चला दिया है अब मुझे इसको एक्सेस करना है या तो मैं किसी क्लाउड को यूज कर रहा होता यानी कि ए डब्ल्यू एस के ऊपर मैंने कोई सर्वर बनाया होता जीसीपी पे या जोर के ऊपर कोई सर्वर बनाया होता और जब मैं सर्वर वेब सर्वर बनाता उस पर पाची जाकर इंस्टॉल करता तो उस सर्वर का कोई पब्लिक आईपी एड्रेस होना था तो अगर मैं उस पब्लिक आई पी एड्रेस को एक्सेस करता तो मेरे पास वेब सर्वर ओपन हो जाना था ठीक है लेकिन लेकिन अगर मेरे पास यहां पर ये, क्योंकि मैं लोकल ही चला रहा हूँ लोकल लैपटॉप पे चला रहा हूँ तो लोकल लैपटॉप के ऊपर तो मेरा पब्लिक आई एड्रेस नहीं है तो इसीलिए मेरे मेरे लिए मेरे सिस्टम के लिए मेरे सिर्फ स्पेसिफिक सिस्टम के लिए ये लोकल लोकल होस्ट होस्ट वो पी एड्रेस होता है या दो आई एड्रेस होते हैं लोकल होस्ट के यानी कि हम या तो लोकल होस्ट लिख दें ये देखे। देखें लोकल होस्ट लिखा तो याची देखें यहाँ पर आ रहा है ये अपाची वही अपाची है ये देखें ये इसका है। मैं इसका डिफॉल्ट पेज है आपको मैं इनशाला आगे जाके वो वेब सर्वर पे भी दिखाऊंगा कि हम कैसे जो है वो एक्चुअल uh, आई इस वेब सर्वर बनाते हैं सर्वर्स के ऊपर वो बनाते हैं ठीक है थीके? अच्छा अगर हम इसको बनाते हैं तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि हमें जब इंस्टॉलेशन करते हैं वेब सर्वर की अभी देखिए मैंने अपाची बनाया अगर मैं इंजनस बनाता तो यहाँ पर इंजनस का डिफॉल्ट पेज नजर आ रहा होता तो ये बता रहा है ये चीज कि यहाँ पर हमारे पास अपाची चल रहा है अच्छा एक और चीज यहां पर ऐड कर लेते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं वही चीज एक्सेस कर रहा हूँ मैंने देखे अपाची इंस्टॉल कर लिया अब मुझे एक चीज देखनी है कि अगर मुझे लॉग्स देखने हैं अपाची के यानी कि मुझे देखना है कि देखे मुझे मैं ऐसा लॉग्स क्यों दिखाने चाहता हूं आप लोगों को वो इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं अपने ब्राउजर से इसको रिफ्रेश करूं ना यहां पर तो आप लोगों को रियल में यहां पर नजर आए कि मैं ये वही चीज है यानी कि मैं मैं ही एक्सेस कर रहा हूँ इसको लेकिन ये मेरे लिए लोकल होस्ट है अगर आप लोग अपने लैपटॉप से लोकल होस्ट ब्राउजर में लिखेंगे तो आप लोग के पास मेरा पेज नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे लैपटॉप के अंदर की बात चल रही है इससे बाहर इंटरनेट पब्लिक इंटरनेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है तो इसीलिए ये चीज आपने याद रखनी है कि आप लोगों ने इसको प, लोकल होस्ट को ये कंसीडर नहीं करना कि आप इसको पब्लिकली हम इनशाला पब्लिक एक्सेसिबल करेंगे हम इनशाला एडब्ल्यूएस के या किसी पब्लिक सर्वर के ऊपर बना के वहां से एप्लीकेशन को चला के भी दिखाऊंगा आपको पूरी पूरी वेबसाइट्स बना के दिखाऊंगा चला के दिखाऊंगा लेकिन अभी हम लोकल की बात करें तो इसलिए ये बात याद रखना कि ये लोकल मेरे इंटरनेट के मेरे जो ब्राउजर है या मेरे सिस्टम है इसके अंदर की बात है अच्छा मैं आप लोग को लॉग्स दिखाना चाह रहा था इसके कि लॉग्स दिखाऊं के ये देखे इसके जो लॉग्स होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो जाते हैं वार लॉग्स मैं आपको इसकी ट्रैक्टरी स्ट्रक्चर में एक चीज दिखा देता हूं ये इसका ट्रैक्टरी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर यहां पर यहां पर ना समय ये देखें ये मेन ड्रैक्टरी स्ट्रक्चर था ना ये सारा इसके अंदर सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी होता है उसके अंदर एक वार की डायरेक्टरी होती है उस वार की ट्रैक्टरी के अंदर हमारे पास लॉग्स होते हैं ठीक है तो अगर आपने लॉग्स देखने हैं तो आप यहां से देखें मैं रूट से गया वार में और वार से गया लॉग्स में तो लॉग्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट होती है हम चेंज कर सकते हैं एक बात याद रखना कि हम इनकी लोकेशंस चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारी जो भी सर्विस रन हो रही होती है उसकी लॉग्स जो है वो वार लॉग्स के अंदर जाते हैं तो मैं सी वार लॉग्स में जाऊंगा और यहाँ पर एल एस करूंगा तो आपको देखें काफी सारे लॉग्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट लॉग्स है लेकिन हमें किसके चाहिए हमें चाहिए अपाची के तो हम क्या करेंगे अपाची में जाएंगे जब हमने इंस्टॉलेशन की थी ना उसने ये बाय डिफॉल्ट खुद से करिए देखिए इसका टाइम भी वही होगा इसका टाइम भी देखें ट्वेल्व थर्टी थ्री आ रहा है और ये हम लोगों ने जब इंस्टॉलेशन की ना अपाची की तो ये यहाँ पर आ गया ठीक है तो आपके पास अपाची आ गया अब जब हम यहाँ पर एलएस करेंगे तो हमारे पास ये लॉग्स आ रहे हैं ये देखिए ये है एक्सेस लॉग्स एक्सेस लॉग वो होता है कि जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा एक कमांड होती है चलिए अब ये एक और नई कमांड आ गई है लिनिक्स में शायद ये थोड़ा सा ट्रिकी हो इसको मैं इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा कोशिश करूंगा इसको दस मिनट में, में खत्म करूं ताकि आप लोग इसकी रिवीजन कर सको अच्छे तरीके से आम, तो बिल्कुल अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो ठीक है अगर आपने कुछ भी इंस्टॉल करना है चाहे सेंटोएस में कर रहे हो चाहे आप जोविंटो में कर रहे हो तो बिल्कुल ये लेकिन ये वेब सर्वर है और वेब सर्वर बहुत सारी टाइप्स के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया पाची भी वेब सर्वर है एंजन भी वेब सर्वर है तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने जो भी आप लोग को रिक्वायर्ड है ना उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करोगे एन के डिफरेंट मजीद फीचर्स भी हैं अपाची के कुछ फीचर्स कम है अकॉर्डिंग टू एन लेकिन ये कि हम समाइम अपाची यूज़ करते हैं समजन एक्स यूज़ करते हैं अच्छा लिनिक्स की एक अगर लिनिक्स की एक कमांड है मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिनिक्स की एक कमांड जो है ना वो है कि अगर हमें कोई चीज़ देखनी हो ना अगर मैंने ये लॉग्स देखने हैं तो मैं क्या करूंगा मैं इस लॉग्स की फाइल में चला जाऊंगा एक्सेस लॉग्स के अंदर देखिए मैंने विम लिखा अपने एडिटर को यूज़ किया और उसके अंदर चला गया तो यहां पर ही आ जाएंगे कि अभी तक कितने लॉग्स जनरेट हुए हैं ये वो सारे आ रहे हैं अच्छा एक तरीका है मैं पर कैट कर लो ये मुझे कैट से भी दिखा देगा लेकिन एक तरीका है एक लिनिक्स की एक और कमांड है जो कि मैं अभी बताने लगा कि अगर मुझे किसी फाइल को मोनिटरिंग पे सेट करना है यानी कि मुझे किसी फाइल को देखते रहना है कि उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है तो उसके लिए कमांड होती है लिनिक्स की जिसको कहते हैं टेल टेल की कमांड क्या करती है ये आपकी उस फाइल को समझने के पकड़ के रखती है ओपन रखती है कि उसके अंदर जैसे कोई चेंज आएगी आपको वो यहीं पर लाइन में दिखा देगा लाइक कैसे कि मैं यहाँ लिखूंगा टेल सॉरी मैं उसके अंदर ही एक्सेस टेल हाइफन एफ होता है मेरे ख्याल से इसका एक फ्लैग होता है हाइफन एफ मैं आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन से दिखा देता हूँ मुझे तो आइडिया है टेल अगर मैं टेल की कमांड में जाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये फॉलो फॉलो करके रखने के लिए ना उसकी आउटपुट को ग्रैप करके रखने की या उसको पकड़ के रखने के लिए हम ये यूज करते हैं तो हम यहां क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे टेल हाइफन एफ और किसको करना है एक्सेस लॉग्स को आप देखें ये फाइल बंद नहीं हुई ये फाइल वहीं पर ओपन ही है लेकिन जब मैं ब्राउजर से जाके इसको रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर कहा गया ब्राउजर से जाके अपनी फाइल को रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को वेबसाइट के पेज को तो आपके पास यहां पर लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर लॉग आया मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर लॉग आया मैं रिफ्रेश करता जा रहा हूँ लॉक आते जा रहा है देखिए तो मतलब ये कि मैं एक्चुअल में उसी सर्वर को ग्रैप कर रहा हूँ और ये बात याद रखना ये सिर्फ लोकल होस्ट पे दिखा रहा हूँ अगर आप एक्चुअल वेब सर्वर पे या पाची पे जाके किसी सर्वर एक्चुअल सर्वर पे जाके भी ये काम करेंगे तो वहां पर भी एक चीज चल रही होगी कि आपके वेबसाइट के ऊपर आने वाली सारी हिट्स जो हैं जो आपके सर्वर पे आ रही होती हैं, आपके जो वेबसाइट के ऊपर कोई भी पेज एक्सेस होक्सेबल होता है उसके लॉग्स एक्सेस लॉग्स में जा रहे होते हैं और उसके एक और लॉग्स होते हैं जिसको हम एरर लॉग्स कहते हैं वो यहां पर देखें एरर की भी एक फाइल पड़ी हुई है अगर आपकी कोई फाइल में कोई एरर होगा अगर आपके पेज में कोई एरर होगा तो वो एरर भी यहाँ पर शो कर देगा ठीक है अगर आपको कोई एरर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको आ, उसकी एक्सेस देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया अब हम लोगों ने एक्सेस भी दिखा दिया मैंने आपको ये पहले मेक श्योर sure करवा दिया कि भाई ये जो हम लोग आ, वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं ये वही है जो इस पे चल रहा है अब मैं आपका इसका डिफॉल्ट पेज चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और मजीद श्योर हो जाएगा कि भाई ये वाकई में ही यही पेज चल रहा है तो अब एक बात याद रखें मैंने भी आपको बताया कि अपाची की जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ईटीसी अपाची के अंदर जैसा मैंने अभी आपको दिखाई कि ईटीसी अपाची के अंदर इसकी ये एक सिस्टम लेवल की कंफिग्रेशन पड़ी होती हैं ठीक है लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है हमें अगर वेबसाइट चेंज करनी है तो चले मुझे तो वैसे पाथ का पता है लेकिन आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कभी मुश्किल ना हो इसलिए मैं यहां से आपको दिखाता हूँ गूगल से कि जहां आप अपाची इंस्टॉल करते हैं ना तो अपाची की यहाँ पर लिखता हूँ अपाची टू डिफॉल्ट डायरेक्टरी रूट लोकेशन ये कह लें रूट डायरेक्टरी मुझे पता है वार डब्ल्यू डब्ल्यू एस होती है लेकिन चलें आप लोग को गूगल से दिखाने के लिए देखिए उसने क्या कहा वार्ड डब्ल्यू डब्ल्यू एस कि यहाँ पर वो वेबसाइट का पेज पड़ा जो ये नजर आ रहा है ना आपको पेज ये तो पेज नजर आ रहा है ये पेज कहाँ पड़ा हुआ है ये पेज पड़ा हुआ है वार डब्ल्यू डब्ल्यू एस यहाँ पर एल एस करूंगा तो देखिए इंडेक्स डॉट एस अगर मैं इस पेज को डिलीट कर दूँ सूटो अच्छा देखिए मैं यहाँ से करता हूँ आर एम माइनस आर एफ इंडेक्स डॉट एस टीमेट ये नहीं करने देगा क्योंकि देखें यहाँ पर रूट इसका इसका यूज़र और रूट ये है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूंगा sudo एंटर अब जब मैं ब्राउजर पर जाके इसको एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा देखना देखें गायब हो गया पेज क्योंकि हमने फाइल डिलीट कर दी मैं यहाँ पर एक डमी फाइल क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए इंडेक्स डॉट एस टी एम एल की मुझे थोड़ा सा एस टी एम एल का कोड लिखना पड़ना है सिंपल सा वैसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर इसको प्रॉपर तरीके से चलाना है तो फिर ऑब्वियसली ये करना पड़ेगा uh, मैंने यहाँ पर ये दे दिया इसके बाद मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिस इज लिनक्स पार्ट मैंने कुछ भी लिख दिया ठीक है एक वेबसाइट का एक छोटा सा पेज कुछ भी मैंने डाल दो दिया मैंने भी टाइटल नहीं डाला मैंने कुछ भी नहीं डाला ठीक है सेव करता हूँ अच्छा सॉरी <laughs> ये एरर वैसे मजे का आया है अच्छा इसको मैं एरर के बारे में समझाऊंगा बाद में पहले मैं एक काम कर लूँ मैं एक कोड सेव कर लूँ क्योंकि ये मुझे डिलीट मुझे इस कोड से बाहर जाना पड़ना है इसलिए मैं इसको पहले सेव करता हूँ हुआ ये कि मैंने मैं बैठा हुआ हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर ये रूट ने बनाई थी और मैं इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उस्मान यूज़र के तौर पर तो उसने कहा कि भाई ये आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा इसके अलावा सोलूशन ही कोई नहीं तो मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी फाइल में जो सेव किया था वो सबको डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर देखे कुछ भी नहीं पड़ा बल्कि बहुत फाइल ही नहीं पड़ी होगी क्योंकि सेव ही नहीं हुई क्योंकि ये देखें मैं किस लोकेशन पे हूँ एस टी चले एक स्टेप पीछे जाके अगर मुझे देखनी हो परमिशन तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा और यहाँ जाके जब देखूंगा तो ये देखें एस टी एम एल डायरेक्टरी जिसमें मैं बैठा हु वो रूट के पास प्रिविलेजेज हैं तो चलें कॉम्प्लेक्स uh, थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए एक कमांड आपको और सिखानी पड़ेगी uh, चले अभी नहीं सिखाता वो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो वैसे इतनी मुश्किल नहीं थी लेकिन वो मैं, मुझे कॉम्प्लेक्स यानी कि वो आप लोग लिए ज़्यादा ना हो जाए मैं बल्कि यहाँ पर लिख लेता हूँ चेंज ठीक है मैंने अपने लिए लिख लिया मुझे याद है कि मुझे करवाना है लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं कर रहा कि अगर किसी को नहीं आता तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो जाए अच्छा मेरे पास एक इजी सोलूशन है मैं एस की डायरेक्टरी में जाता हूँ और यही जो फाइल मैंने क्रिएट कर रहा था ना इसके साथ सूटो लगा देता हूँ यानी कि ऐसा रूट यूज़र बन के मैं काम कर देता हूँ अब मैं वो जो कोड मैंने सेव किया हुआ था ना अपने पास कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ दोबारा बाहर निकलता हूँ आप मुझे एरर नहीं देगा सेव हो गया और यहाँ पर एलएस करता हूँ तो ये फाइल बन गई अब मैं यहाँ पर कैट करता हूँ तो ये सारा कोड लिखा हुआ है जब मैं ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा तो वहां पर मेरा ये जो कॉन्टेंट मैंने लिखा था ये सब कुछ वहां पर आ रहा होगा ये देखिए ये देखिए वेलकम टू एल्वेस्टैक दिस इज द डेवऑप्स लिनक्स कोड ठीक है मतलब ये कि यार मेरा टीम्स ओपन हो गया अच्छा मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो वेलकम का मैसेज भी आ रहा है हमारे पास डेवऑप्स लिनक्स पार्ट जो भी हमारे पास जो उन्होंने लिखा पैराग्राफ वो भी वहां पर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इजीली अपना वेब अगर मैं यहाँ पर एक मैं आपको बात अगर मैं इस लोकेशन पे अपनी वेबसाइट का कोई कोई वेबसाइट सैंपल वेबसाइट रख दूं तो वो इसी तरह चलेगी जैसे आप लोग की एक्चुअल में कोई वेबसाइट चल रही होती है लेट मी फाइंड कि मेरे पास शायद सिस्टम में कोई uh, सैंपल वेबसाइट पड़ी हो अगर पड़ी हुई तो मैं आप लोगों के लिए वो भी रख के आप लोग को दिखा भी देता हूँ अच्छा यहाँ तक समझ आई है थम्सअप करके मुझे बताओ जितने मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छा ये ना मैं आप लोग को दिखाने लगा हूँ कि मेरे पास लैपटॉप में ना क्योंकि मैं लेक्चर्स पढ़ाता रहता तो ये डब्ल्यू के अंदर मैंने पढ़ाया था मेरे पास एक सैम्पल वेबसाइट पड़ी हुई है जिसके अंदर सी एस एस भी है इमेजेस भी कुछ है और उसकी इंडेक्स और एस्टिमेट का पेज भी है मैं इस पूरे कॉन्टेंट को ना कॉपी करता हूँ अगर ये मुझे कॉपी करने दे क्योंकि इसमें मतलब कॉपी नहीं समाइम करने देता क्योंकि ये विंडो की डायरेक्टरी है ये विंडो की ड्राइव है इसमें क्योंकि दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो विंडो की ड्राइव से कभी समटाइम ना कंटेंट दूसरी ड्राइव में कॉपी नहीं होता Uh, यानी कि जो मिंट uh, की ड्राइव है तो वो उसमें प्रॉब्लम करता है बट मैंने इसका कंटेंट कॉपी किया है और मैं कहाँ जाऊँगा मैं जाऊँगा वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच एम एल में तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपने लैपटॉप से ही फाइल सिस्टम में जाऊँगा सॉरी मैं अभी ढूंढ रहा था यहाँ पे पड़ी हुई है वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल यहाँ पर ये यह पड़िए ना पेज इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं ये जो मैंने अभी सैम्पल पेज बनाया था मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको सूटों से कर देते हैं मैंने देखे यहाँ पर डिलीट कर दिया मैं ब्राउज़र में जाऊँगा यहाँ रिफ्रेश करूँगा फिर कुछ नहीं आ रहा ठीक है अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का कोड जो है ना वो पेस्ट मुझे करने नहीं दे रहा वही वजह है लेट मी फाइंड एन अधर वे कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ क्योंकि तो वो ना मुझे यहाँ पर मैंने बताया ना दो ड्राइव्स है ना ये विंडो की ये विंडो की ड्राइव्स है और ये मेरे लिनिक्स की ड्राइव है तो वो विंडो की ड्राइव से लिनिक्स में ना कॉपी कंटेंट नहीं करने देता सो लेट मी जस्ट गिव मी वन मिनट मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ इसका अच्छा मैंने कंटेंट uh, कॉपी कर लिया है और मैंने कॉपी कैसे किया मैं आप लोगों को सिर्फ आ, बताने के लिए दोबारा जाता हूँ मैंने क्या किया मैंने ना uh, मेरी जो विंडो वाली ड्राइव थे आप लोगों के केस में शायद ये इस तरह की इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना हो लेकिन मेरे केस में है कि मेरे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये विंडो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव में पड़ी हुई मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया और वो टर्मिनल है ये मैंने इस पूरी जो डायरेक्टरी है ये रेंटो के नाम से कोई भी एक सैंपल मैंने नेट से ना कोई वेबसाइट उठाई थी ये मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने उसको उठा के ये कमांड रन की किधर गई ये सूडो कॉपी करो रेंटो की जो पूरी डायरेक्टरी है इसको उठा के वार्डबू एस टी मन उसने मुझसे पासवर्ड पूछा मैंने पासवर्ड दे दिया और उसने मुझे जाने दिया तो लिनिक्स के थ्रू मैंने ये काम किया अब जब मैंने यहाँ पर जाकर एल किया है वार डब्ल्यू डब्ल्यू एस टी मन तो ये पड़ी हुई है तो मुझे ये कॉन्टेंट यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये कॉन्टेंट बाहर चाहिए मतलब क्या देखें होता क्या अगर मैं इस जगह पर रिफ्रेश करूंगा ना पेज तो आपको वेबसाइट नहीं नजर आएगी आपको यहां पर एक फोल्डर नजर आएगा रेंटो का देखना ये हमें ये नहीं चाहिए हमें वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट किस तरह से आती है मैंने आपसे कहा था मुझे इसका कंटेंट चाहिए यहां पर जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ ना मुझे मुझे कौन कमांड बताएगा कि मुझे रेंटो के अंदर ये डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ तमाम कॉन्टेंट यहाँ पर मूव करना है कॉपी नहीं करना मुझे कट एंड पेस्ट करना है तमाम कॉन्टेंट क्या करूंगा ये वो कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को पहले बेसिक्स पढ़ाई थी और अब ऑब्वियसली हम ये कर रहे हैं मुझे कौन बताएगा मैंने रेंटो वाली डायरेक्टरी के अंदर से कंटेंट को उठा के बाहर यहां पर एस्टिमल वाली डायरेक्टरी में फेंकना है क्या करूंगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार कल आप लोग तो करके आए हो लगाएंगे नहीं वो तो लगाएंगे पूरी कमांड बताओ ना एम वी का तो मुझे भी पता है कट एंड पेस्ट करना है लेकिन वजी ठीक है लेकिन देखो हम बैठे अगर एस्टीमेल में हो तो फिर हमें एस्टीमल लिखने की जरूरत नहीं होती ना देखो मैं बैठा ही एस्टीमल में वो अगर मैं एस्टिमल में ना बैठा तो फिर मैं ये लिखता ना जो आपने लिखा है तो मुझे बड़ी सिंपल सी कमाण है यार आप लोग मुझे हैरत हुई है आप लोग को नहीं समझ देखे मैंने क्या करना है एम वी रेंटो अंदर स्टेरिक भाई मुझे कॉन्टेंट चाहिए सारा मुझे रेंटो नहीं चाहिए मुझे उसके अंदर का कॉन्टेंट चाहिए उसको उठाओ और यहाँ पर फेंक दो बस तो आपने ये चीज़ लिखनी है और हमें क्या नाम है रेंटो में जाने की ज़रूरत नहीं है हम यहाँ पर बस ये लिखेंगे और एंटर करूंगा अच्छा परमिशन का मसला है पहले मुझे परमिशन देना दो अब देखें यहाँ पर एनलैस करूंगा तो यहाँ पर देखें सारा कंटेंट बाय और ये रेंटो वाला फोल्डर एम हो गया होगा ये देखिए मैं रेंटो के फोल्डर में जाऊंगा ना डायरेक्टरी में तो यहाँ पर देखूंगा यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा क्योंकि हमने मूव कर दिया कटन पेस्ट किया ना और मुझे इस फोल्डर की ज़रूरत भी नहीं है तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ सूडो आर एम माइनस आर एफ रेंटो आप देखे यहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ वेबसाइट यहाँ पर आ गई मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर पे और यहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट चल रही होगी जो एक्चुअल वेबसाइट है बल्कि इसको ये पूरी वेबसाइट चल रही है और ये लोकल होस्ट पे चल रही है सो दिस इज द थिंग जो आप लोगों को uh, सीखना है कि भाई हमें ये सब चीज़ें कैसे करनी है अगर मैं एनजेन पे काम करता रहा था की डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये नहीं होती ये देखिए लोकल उस पर चल रही है वेबसाइट ये, ये। देखें और ये अगर आपको दूसरी तरीके से वो भी देखना है कि ये वही वेबसाइट है तो कोई मसला ही नहीं है ये देखें मैं जाके क्या करूंगा टेल करूंगा हाइफ एफ वार लॉग एक्सेस लॉग्स को नहीं सॉरी अपाची के अंदर एक्सेस लॉग्स को और जब मैं एक्सेस करके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आपको नीचे यहाँ पर एंट्रीज नज़र आएँगी देखें ये पेज लोड हो रहा है अब पेज बड़ा है तो अब ज्यादा लॉग्स आ रहे हैं देखिए मैं जब एक दफ़ा रिफ्रेश कर तो काफी सारे लॉग्स आते हैं क्योंकि तो काफी सारे अंदर लिंक्स है ना उसके और ये देखिए सी एस एस लोड हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस लोड हुई है और अब ये सब चीजें ऑब्वियसली डेवलपर्स से रिलेट करती हैं लेकिन ऑब्वियसली अच्छा जुनीद का क्वेश्चन है क्या पाची बेटर है Nginx. Nginx के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं पाची के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स आपके पास कोई रिक्वायरमेंट्स है ना तो फिर आप एंजेक्स यूज करोगे एनजीनेक्स वेब सर्वर भी है एंजेनेक्स लोड बैलेंसर भी है एंजेनेक्स जो है वो लोड बैलेंसर है लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है चलो क्वेश्चन हम आ गया है तो आंसर भी दे देते हैं आखिरी है इसके बाद हम खत्म करेंगे अच्छा लोड बैलेंसर का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना ये सॉरी हमारे पास ना काफ़ी सारे वेबसाइट चल रही हैं यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे एक सर्वर के अंदर ना वेबसाइट ए भी चले वेबसाइट बी भी चले वेबसाइट सी भी चले वेबसाइट डी भी चले एक ही सर्वर पे आपने मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई तो इसमें रिवर्स प्रॉक्सी की एक ऑप्शन होती है कि जो क्या करती है कि एक ही एक ही मशीन ये पूरी की पूरी, पूरी एक ही सर्वर है एक ही मशीन है और एक ही मशीन के ऊपर आपने एक दो तीन चार वेबसाइट चलानी है या इससे भी ज्यादा चलानी है तो आप यहां पर एक एंजेनेक्स लगा देंगे एंजेनेक्स क्या करेगा जब रिक्वेस्ट आएगी ना वन की तो वन की तरफ भेज देगा टू की आएगी टू की तरफ भेज देगा थ्री पे थ्री की तरफ फोर पे फोर की तरफ भेज देगा रिवर्स प्रॉक्सी करता है ये तो ये चीज यूज होती है कि आपका एंजेक्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो कि आपको अगर लोड बैलेंसिंग करनी है ठीक है समझ आई जुनेद तो ये फीचर आ, किसी हद तक उसमें अवेलेबल है पाची में लेकिन असल जो चीज है ना ये एफिशिएंट और फास्ट लोड बैलेंसर कहलाता है एंजेक्स हम एनजेक्स भी करेंगे इनशाला एनजेक्स पे भी थोड़ा सा उन्होंने हाथ सीधा करना है तो लेकिन ये इस तरह से होता है अच्छा मेरा ख्याल से सेशन खत्म हो एक सवाल अवैस ने किया मैं उसको पढ़ लू थोड़ा सा मुझे लग रहा है अवेस ये कोई ये मैंने है? इंस्टॉल करके, मैंने इंस्टॉल किया था, तो उसको मैंने स्टेटस